हेलो गाइस, आज हम होटल जैसे मशरूम टिक्का और सोया चाप बनाने जा रहे हैं। आप ऐसी सोया चाप और मशरूम टिक्का अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले हमने बाजार से सोया चाप का पैकेट लेके आना है और फ्रेश मशरूम भी खरीद के लेके आने हैं। और उसके बाद हमने पैन में पानी गर्म कर लेना है। इस गर्म पानी में चाप को अच्छी तरह से उबाल लें, फिर मशरूम को अच्छी तरह से धो के इसको भी गर्म पानी में उबाल लें। मशरूम हमने उबाल ली हैं। अब हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, हल्दी का पेस्ट बनाकर मशरूम और चांप को मैरिनेट करेंगे। इसको हमने कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है और उसके बाद हमने कोयले जला लेने हैं। कोयलों को अच्छी तरह से जला लें और इसका सेक चारों तरफ से बराबर आना चाहिए। चांपों को सलाई में डालकर कोयले के ऊपर रखेंगे और हल्का हल्का इसे तेल लगाते जाएंगे। तेल लगाने से चांप नरम हो जाती है और क्रिस्पी भी बनती है, तभी तो इसका टेस्ट बढ़िया आता है। बस इसको हल्की हल्की आंच पर भूनते जाएं। चांप बनकर हमारी तैयार हो गई है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देख नहीं होगी तो ब्लॉग बना था, बना लिया बना लिया। अब बैठते थे 7 मिनट का बन गया। क्या बात है, वो बनाते हैं ना हो।